मैं हूँ आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है प्रशांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बिग बॉस के घर में इन दिनों एलीट क्लब टास्क चल रहा है, जहाँ पर संचालक बने हैं आसिम रियाज। और यहाँ पर आसिम और सिद्धार्थ के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई होते हुए नजर आ रही है। इन दोनों की लड़ाई ने पूरे घर को सर पर उठा रखा है, ना सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर जितने भी फैंस हैं, टीवी स्टार्स हैं, सभी इन दोनों को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली यास्मीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घर में जो टास्क चल रहा है और इस टास्क से जो भी इसको मेंबरशिप हासिल करेगा वो इम्यून हो जाएगा। लेकिन पहले तो मैं ये सबको बता दूं कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो टास्क है ये रद्द हो जाएगा, और वो भी आसिम की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से आसिम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने चीटिंग करी है और पूरा का पूरा खेल ही बिगाड़ के रख दिया, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मेंबरशिप वाला टास्क है ये ही रद्द हो जाएगा, किसी को मिलेगी ही नहीं मेंबरशिप। लेकिन जिस तरीके से आसिम ने चीटिंग करने की कोशिश करी, जिस तरीके विशाल घोड़े पे से उतरे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि मैंने देखा ही नहीं, और सिद्धार्थ के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट हुई, इतनी लड़ाई हुई कि इतनी ज़्यादा इनकी लड़ाई बढ़ गई कि आँख नोच लूँगा या पीटने की बात आएगी तो एम्बुलेंस आ जाएगी बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया। बाप के ऊपर फिर चले गए दोनों के तेरे बाप ने बाहर निकाल दिया, तो सिद्धार्थ ने भी ये चीजें बोली, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर ऐसा है प्रशांत कि सिद्धार्थ और आसिम एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि किसे कैसे पिस्ड ऑफ कैसे करना है, कैसे पोक करना है। इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता है, जैसे कि आसिम को पता है कि अगर मैं उससे चल यहाँ से इस तरह से अगर मैं बात करूंगा, सिद्धार्थ वहाँ पे पोक होंगे, मतलब प्रोवोक करते इस तरह से उनके बोले। आसिम के ऊपर लगातार ही उनके ऊपर प्रोवोकिंग के आरोप लगते रहे कि वो सिद्धार्थ को पोक करते हैं या उनको उकसाने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ भी यहाँ पर ये चीज जानते हैं कि अगर मैं फैमिली के ऊपर जाऊंगा तो आसिम का पारा तो वहाँ पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। एग्जैक्टली, तुमने सही कहा कि दोनों के वीक पॉइंट्स पता है कि किस कौन कब पोक कर सकता है, कौन किस बात पर भड़क सकता है। लेकिन फिलहाल जो घर के अंदर चल रहा है, फिलहाल जो घर के अंदर इनकी लड़ाई चल रही है, जिस तरह की धक्का मुक्की हुई है, जिस तरह की गाली गलौचे हुई हैं, उस चीज़ के ऊपर अब टीवी स्टार्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। हाल ही में हमने अभी बात करी थी कि जो बिंदु दारा सिंह और संभावना सेठ हैं, उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला का सपोर्ट करते हुए आसिम की पटकार लगाई, जिस तरीके से इन दोनों की लड़ाई हुई उस पर अपना पक्ष रखा। वहीं अब आसिम के सपोर्ट में गौहर खान उतर आई हैं, वही गौहर खान जो कि बिग बॉस सीजन 7 की विनर रह चुकी हैं और लगातार बिग बॉस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लगातार, जब से शो शुरू हुआ है, वो लगातार आसिम का सपोर्ट ही कर रही हैं, और उन्होंने एक बार फिर आसिम का सपोर्ट किया। उन्होंने दो ट्वीट्स करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला की फटकार लगाई है और आसिम का सपोर्ट किया है। गौहर ने कहा, पोक पोक पोक, वाह, मुझे लगता है कि पहाड़ जैसे आदमी को तो छोटी से पोक से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सब बकवास है, पोक की आड़ में सब कुछ जायज है क्या? अरे सहनशीलता, धैर्य, ये सब भी तो दिखाओ, फैक्ट ये है कि सब प्लेयर हैं। गौहर ने इसके अलावा एक और ट्वीट किया है और कहा है, वाव, लेटर में नहीं लिखा था कि उतर नहीं सकते तो मिडवे बताना पड़ा ताकि बाकी में संचालक पे बिल फटे। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा, गौहर ने बोल दिया है कि सीधा के सीधा संचालक पे बिल फटे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ को भी बोला है कि पहाड़ जैसे हो, इतनी सी पोक करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, सहनशीलता रखो। तो उन्होंने सीधा सीधा उल्टा सिद्धार्थ पर ही निशाना साध दिया, क्योंकि लोग लगातार आसिम पर यह आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर इस चीज को लेकर बोल रहे हैं कि वो प्रवोक करते हैं सिद्धार्थ को, उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं। इसी चीज पर गौहर ने डिफेंड किया है आसिम को और सिद्धार्थ की बात लगाई है। बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर एक चीज और है, वो ये कि गौहर खान जो है वो हमेशा से, डे वन से हमने देखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के वो खिलाफ ही बोलते आई है। उसकी वजह ये भी है कि जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं कुशाल टंडन, वो उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, जिस वजह से यहाँ पर गौहर चिढ़ती हैं, कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला से वो चिढ़ती है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका है कुशाल टंडन से। तो सिद्धार्थ शुक्ला ऑब्वियसली उनके दोस्त हैं तो उनसे उनकी नहीं बनती है, इस वजह से वो अब उनका पर्सनल ग्रजेस है या फिर ये गेम को लेकर ही वो इस तरह के कमेंट्स करती हैं, ये तो खैर गौहर ही जानती होंगी। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि गौहर ने जो कहा है यहाँ पर आसिम के सपोर्ट में, वो आपको क्या लगता है, उन्होंने सही कहा है और या नहीं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बिग बॉस से तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।